Hi viewers, welcome to Draw Some Awesome. Today I want to show my artworks during lockdown period. And these are beautiful artworks, you can see. मैंने यहाँ पे मंडला आर्ट पोस्टर कलर स्पाइरल पैटर्न के ऊपर कुछ न्यू टेक्निक्स के ऊपर बहुत सारे और कैलियोग्राफी के ऊपर भी कुछ करा है मैंने. मैं सब दिखाऊंगा आज और आज एक मस्ट वॉच वीडियो है तो जरूर देखिए. तो मैं यहाँ पे एक एक करके पहले ऑयल पेस्टल से बना हुआ पिक्चर्स को दिखाता हूँ. ये पूरा ऑयल पेस्टल से बना हुआ है और ये जो स्काई में जो स्टार्स है या फॉलिंग स्टार्स या जो सन है रिफ्लेक्शन है ये सब मैंने करेक्शन पेन से बनाया है. और करेक्शन पेन से बनाने के लिए ये और भी उभर के आ रहा है. और ये पिक्चर मेरा पहला पिक्चर है, डे और नाइट का मैंने दिखाया है विजन. अब दूसरा पिक्चर में आते हैं हम. बहुत ही ब्यूटीफुल एक पिक्चर है और ऊपर स्टार्स मतलब वही सेम टेक्निक से या यहाँ पे देख सकते जो लाभ का साइन है यो मैंने करेक्शन पेन से बनाया है और इस तरह से बनाया. ये भी ऑयल पेस्टल से ही बनाया हुआ है एक्चुअली. अब चलते हैं तीसरे पिक्चर में. ये पिक्चर मैंने यूट्यूब पे देखा था एक जगह पे, मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने भी ट्राई किया. ये था कि एक कलर कर रहा है एक स्काई के ऊपर वही पे ये था तो ये मैंने किया है. ये भी ऑयल पेस्टल से बना हुआ है. ये चौथा थोड़ा डिफरेंट है और ये और भी मज़ेदार हुआ था जब मैंने किया था. ये एक्चुअली मास्किंग टेप यूज़ करके बनाया था मैंने और मास्किंग टेप को जगह जगह पे लगा के उसके बाद कलर करके फिर उसको मैंने उतार दिया. तो इस तरह से मैंने ये पिक्चर को कंप्लीट किया था. अब मेरा ये है बहुत ही फेवरेट एक ड्राइंग और ये आई सच में जब मैंने कंप्लीट किया था मुझे बहुत खुशी हुआ था क्योंकि मुझे इससे एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला था. और ये भी मैंने ऑयल पेस्टल से बनाया हुआ है और सेम टेक्निक से बनाया हुआ है. तो अब चलते हैं ये पिक्चर पे. ये मैंने दिखाया है एक नेचर को, जैसे नेचर मदर अर्थ जैसे झूम रहा है क्योंकि लॉकडाउन में पॉल्यूशन एकदम घट गया है तो प्रकृति के लिए बहुत एक अच्छा यह है. तो उसी को मैं सामने रख के ये कॉन्सेप्ट मैंने ड्राइंग किया था. ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है तो आप देखते हैं नया कुछ. अब हम आते हैं थोड़ा सा नया जगह पे. ये मैंने मंडला के ऊपर बनाया है. मुझे मंडला आर्ट बहुत बहुत पसंद होता है तो धीरे 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 करना पड़ता है और जब ख़त्म होता है तब देखने में वाओ मतलब इतना सुंदर लगता है. तो मैंने डॉट पेन से बनाया है ये और इसी तरह का एक पेंटिंग ये भी है. ये भी मंडला आर्ट से ही बना हुआ है और मैंने मोटा जगह के लिए स्केच पेन यूज़ किया है ब्लैक और जो फाइन जगह है वो जगह के लिए पायलट का पेन या डॉट पेन ये सब यूज़ किया है. तो ये भी एक मेरा सेटिस्फैक्टरी आर्ट है बोल सकते हैं. और इसके बाद जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो थोड़ा सा लार्ज कैनवास में है या थोड़ा सा बड़ा है तो ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है. बहुत टाइम लगता है एक्चुअली तो धीरे धीरे करना पड़ता है और हर एक बारीकियों के ऊपर नज़र देना पड़ता है. तो मैं कर रहा हूँ, शायद 2-3 दिन में ख़त्म हो जाए और ख़त्म होने के बाद मैं फ्रेम करा दूंगा तो और भी अच्छा लगेगा. तो ये ऑन प्रोसीड्योर है तो देखते हैं. और ये मेरा एक फेवरेट है, ये मैंने रेड ग्लिटर पेन से बनाया था और मैंने हर एक पत्तियों के ऊपर नया नया डिज़ाइन बना के मंडाला आर्ट किया है. और ये एक अच्छा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था जब तैयार किया था. तो चलते हैं कुछ और नया के ऊपर, कुछ स्पाइरल आर्ट्स के ऊपर. और मैंने ये यूट्यूब से ही सीखा है कैसे बनाते हैं और इसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल बहुत जल्द ले आऊँगा तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब करके रखिए.
सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता चल जाएगा बेल आइकन को ऐड करने से, तो तब जाके आप सब चीज़ें, नया चीज़ें बहुत इजी है ये सब टेक्निक सीख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं, इसको भी मैं उसी ट्यूटोरियल में डाल दूंगा, तो आपको ये पैटर्न कैसे बनाते हैं वो भी आप सीख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। मैं कुछ मेरा फेवरेट आर्टवर्क्स को दिखाऊंगा। ये मैंने पोस्टर कलर से बनाया है और जो मोटा मोटा लाइन से आउटलाइन से उसको मैंने स्केच पेन से बनाया हुआ है। तो ये एक मेरा बहुत ही फेवरेट एक पेंटिंग है कह सकते हैं आप। और इसके बाद ये है, ये मैंने मार्कर से बनाया है। एक्चुअली दो चीज़ लगा, जब साइड का पैटर्न्स किया तो मार्कर लगे, और जब आंखें या लिप्स ये सब किया तो मैंने फेबर कैसल का बाई कलर पेंसिल यूज़ किया था और धीरे धीरे करा। और ये एक नया टेक्निक मैंने रिसेंटली सीखा है, डैश पेंटिंग बोलते हैं, मतलब डैश डैश छोटा छोटा डॉटेड लाइन बना के एक पिक्चर को ड्राइंग करते हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक सेगमेंट में, हर एक जगह पे डॉट्स है और वेरियस कलर के डॉट्स है। ये भी मैंने पेपर कसल को पेंसिल कलर से ही बनाया है। तो मैं धीरे धीरे नया नया चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, तो ये भी एक अच्छा आर्टवर्क मुझे लगता है। सिर्फ आर्टवर्क्स नहीं, मैं इस लॉकडाउन पे कुछ कैलीग्राफी भी कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं कैमलिन का ब्रश पेन यूज़ कर रहा हूँ, जिसका रिव्यू, जिसका प्रोज एंड कॉन्स और कैसे कैलीग्राफी बनाते हैं वो उसके ऊपर मैंने वीडियो डाला है, वो ऊपर मैं आई बटन पे ऐड कर दूंगा। तो आज के लिए बस यही। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले या अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह प्यार दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।